बढ़िया से वॉश कर लिए थे इसको भी। अब दिखा ना बढ़िया। बहुत ही बढ़िया बना है दोस्तों। मैं तो हर बार बताता हूँ लेकिन इस बार काका बताएंगे कैसा बना है। मुर्गी का लेग पीस भूल गया था भाई मैं। तो अभी खा लेते हैं। अब सफर अपना जारी करते हैं। यहाँ से 200 किलोमीटर और रायपुर अपना बचा हुआ है जो कि भाई पार हो जाएगा 5-6 घंटे में। बाकी दोस्तों अगर जो ज्यादा स्पीड में रहेगा उसका ऑनलाइन चालान कट जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत करता है आप लोगों का अजय भाई। तो दोस्तों इस समय भाई अपन चोटिया घाटी में, मतलब जो पुलिया पड़ता है, पुलिया पार कर लिए जो कि देख सकते हो। तो अभी इस घाट में भाई चढ़ रहे हैं, उसके बाद में सामने अपना भाई चोटिया घाट, चोटिया आ जाएगा भाई, चोटिया गाँव आ जाएगा। तो हम लोग भाई सुबह जहाँ पे, मतलब नाइट में जहाँ पे रुके थे वहाँ से भाई सुबह सुबह चले हैं 7 बजे और अभी पहुँचने वाले हम लोग चोटिया। तो आज दिन भर के सफ़र में क्या होने वाला है भाई हम लोगों को पता नहीं है। तो कंटिन्यू हमारे साथ में बने रहो और देखते भाई आगे। अब नहाने धोने का व्यवस्था, खाना पीने का व्यवस्था देखते हैं। आगे जाके पहुँचते भाई रायपुर और कल ही लोडिंग होगी क्योंकि आज का दिन पूरा ख़त्म हो जाएगा हम लोगों का। धीरे धीरे जा रहे हैं, कोई जल्दीबाजी तो है नहीं हम लोगों को ऐसे भी। तो अभी जा रहे हैं दोस्तों। तो कंटिन्यू भाई हमारे ब्लॉग में बने रहो एंड नया तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। और ठंडी भी इधर थोड़ी थोड़ी है दोस्तों, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंडी है। सुबह सुबह टाइम बहुत ही ज़्यादा थोड़ा ठंडा लग रहा है, मतलब एक कंबल की ठंडी है इस तरह पैसे टाइप का है। रायपुर में उतनी खास ठंडी नहीं है जितनी इधर है भाई, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका पड़ जाता है ना, इसके वजह से ठंडी इधर थोड़ी बढ़ जाती है। और अपने काका भी अपने साथ में उधर देख सकते हो बैठे हुए हैं। मज़ा आ रहा है ना? हाँ मज़ा आ रहा है ड्राइवर, हम लोग सब साथ में ही चल रहे हैं। हाँ अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भाई कटघोरा। तो कटघोरा बाईपास में दोस्तों एक तो भाई बढ़िया सा पानी चलता है जो कि यहाँ पर देख सकते हो भाई, ये खदान का पानी आता है दोस्तों यहाँ पर। तो यहीं पे दोस्तों गाड़ी को हम लोग रोक दिए हैं, सामने में देख सकते हो गाड़ी है। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लग रहा है, छाया जगह है। तो यहीं पर कपड़ा वगैरह धोते हैं और ऐसे भी 3 दिन हो गया दोस्तों घर से नहा के आए थे, उसके बाद में नहाया ही नहीं क्योंकि भाई टाइम ही नहीं मिला और ठंडा भी लग रहा था इसके वजह से, है ना। तो अभी हम लोग यहीं पर दोस्तों नहाएंगे धोएंगे सब, उसके बाद में खाना पीना का व्यवस्था देखते हैं क्या बनता है। और अजीत भाई कपड़ा वगैरह लेके आ रहे हैं, उसके बाद में नहाते दिखाते हैं आप लोगों को भाई। पानी बहुत ही बढ़िया मस्त पूरा, मतलब खदान का पानी पीने वाला नहीं है, खदान वाला पानी आता है इसमें देख सकते हो दोस्तों। भरपूर मात्रा में भाई पानी चल रहा है यहाँ पर। तो यहीं पे अपना नहाना धोना होगा। तो दोस्तों हम लोगों का भाई नहाना धोना हो चुका है और निकलते हैं भाई आगे में, सब्जी वगैरह लेते हैं उसके बाद में खाना वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो अभी निकलते हैं दोस्तों, बढ़िया नहा लिए भाई। तो दोस्तों कटघोरा से करीबन हम लोग आ चुके हैं भाई 30 किलोमीटर आगे। तो यहीं पे नेशनल हाईवे बगल में देख सकते हो, तो सर्विस रोड पे हम लोग भाई गाड़ी को रोक दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग का भाई खाना बनेगा, जो कि खाना में आज दोस्तों बनने वाला है चिकन, चिकन करी बनेगा दोस्तों। और सामान वगैरह सब निकाल लिए हैं ये देख सकते हो, तो यहीं पर साफ कर लिए नीचे को, बढ़िया है। तो यहीं पर खाना बनाएँगे और सामान वगैरह पीछे ले लिए थे हम लोगों ने क्योंकि टाइम तो अपने पास है भाई, तो खाना पीना बना के खाएंगे आराम से, ठीक है।
तो दोस्तों ये देख सकते हैं भाई, यहाँ पर भाई चिकन बढ़िया से वॉश कर ले रहे हैं। उसके बाद चावल रख दिए बनने के लिए, देख सकते हैं उधर चावल बन रहा है। और अपना चिकन यहाँ पर भाई धो ले रहे हैं बढ़िया से इसको। तो दोस्तों हम लोग चावल बन के रेडी हो चुका है उधर, देख सकते हैं भाई। और अब चला भाई हमारा सब्जी बनने के लिए, तो डाल रहे हैं यहाँ पर तेल। तो दोस्तों देख सकते हैं भाई तेल गर्म हो चुका है, अभी चला इसमें जीरा, खड़ा लहसुन डाल दिए काका अपने लिए। तो दोस्तों अभी प्याज डाल दे रहे हैं भाई, वो थोड़ा सा लाल हो गया है, तो प्याज व्याज डाल के बढ़िया इसको भूंज लेते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो मसाला बढ़िया से भाई भुन गया है, तो अभी चिकन डाल दे रहे हैं दोस्तों। बढ़िया से वॉश कर लिए थे इसको भी। अब इसको चला लेते हैं भाई। तो ये देख सकते हैं भाई बढ़िया से भून रहे हैं इसको भाई अच्छे से। तो ये चला दोस्तों नमक, अब नमक डाल दिया भाई, अब पानी छोड़ेगा चिकन उसी में ही बढ़िया पक जाएगा। तो अब ये देख सकते हो बढ़िया इसको मिक्स कर दे रहे हैं। भूख बहुत तेज लग रही है दोस्तों, सुबह नाश्ता किए थे, अभी बेचारा भूख के मारे भूख के मारे में पतला हो गया हूँ। क्या करें, खुशी देखो, खुशी खुशी भाई चिकन खाने की खुशी है ये। मुंह में पानी आ रहा है अभी से ही, क्या बोलूं। आप लोगों को भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। तो दोस्तों चिकन तो भाई लगभग हो ही गया है, तो अभी मसाला डालेंगे। पहले भाई डाल देते हैं इसको, पानी है इसमें थोड़ा सा मसाला का, और इसमें डाल रहे हैं अभी काली मिर्च और जीरा पाउडर, और चला भाई हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, दोस्तों धनिया पाउडर। बढ़िया इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये चला दोस्तों मसाला भाई अपना, अब आएगा इसमें भाई कलर बढ़िया सा। अब दिखा ना बढ़िया। तो दोस्तों मसाला भाई अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, तो अब डलेगा भाई इसमें पानी, ठीक है, एक गिलास पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। हो गया भाई कंप्लीट, अब उबाल आए फिर उसके बाद में खाना उना निकालते हैं भाई, खाते हैं। तो दोस्तों चिकन बन के भाई रेडी हो चुका है, धनिया डाल रहे हैं भाई, देख सकते हो ये अपना सोने पे सुहागा हो गया भाई बढ़िया। तो दोस्तों चावल भाई निकाल रहे हैं, अब खाना तो बन के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों अब सब्जी निकाल रहे हैं भाई, लेग पीस मांग रहा था इसको पहले देना, लेग पीस ये ले अजीत भाई तेरे लिए। एक ठोर है यार, उसको मैं ले लेता हूँ। आप लोगे क्या? नहीं, है ना? हाँ लहसुन है, तो लेग पीस के जगह पर लहसुन मांग आएगा। ये लीजिए लहसुन आपका। तो दोस्तों खाना भाई निकल चुका है, उधर काका का भी निकल चुका है, अजीत भाई का भी निकल चुका है, तो खाना खा ले रहे हैं और टेस्ट करते हैं भाई कैसा बना है, सब्र का फल कैसा है, मीठा है कि खट्टा है।
बहुत ही बढ़िया बना है दोस्तों। मैं तो हर बार बताता हूँ लेकिन इस बार काका बताएंगे कैसा बना है, खाने दो पहले। ठीक है, बना हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। हाँ, हाँ। पहले खाओ तो। खा लिए है भाई। थोड़ा सा निकाले थे दोस्तों चेक करने के लिए भी। बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास का चिकन खाक बताओ। फर्स्ट क्लास के तो टक टक है भाई। क्या करें, अपना खाना निकल गया भाई, देख सकते हो। अभी खाने जा रहे हैं हम भी। क्या बात है, सब तो भाई खा रहे हैं एकदम बढ़िया भाई। थाली की कमी पड़ गई है। ठीक है, दो थाली खाते, दो बंदे थे तो दो थाली रखे हमने। अब काका जी आ गए तो भाई उनको दे दिए थाली में, हम खा रहे हैं भाई कटोरे में भी। सुपर सुपर दोस्तों। मुर्गी का लेग पीस भूल गया था भाई मैं। तो अभी खा लेते हैं। दरअसल दोस्तों चावल मिलाया ना तो लेग पीस छिप गया था, समझे, लेकिन पकड़ लिया इसको। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों का भाई खाना पीना हो चुका है और दोपहर के भाई 3 बज चुके हैं। तो खाना पीना खा के भाई रेडी हो चुके हैं, तो अभी दोस्तों यहाँ से भाई निकलते हैं, सीधा निकलते हैं भाई रायपुर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहो एंड नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। तो चलते हैं भाई, अब सफ़र अपना जारी करते हैं। यहाँ से 200 किलोमीटर और रायपुर अपना बचा हुआ है जो कि भाई पार हो जाएगा 5-6 घंटे में। 6 घंटा तो लग ही जाएगा मैक्सिमम। तो चल दोस्तों हम लोग अभी बिलासपुर बाईपास में हैं और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों एक तो ये खंबा है जिसमें ये रेड लाइट जलेगा अगर ओवर स्पीड में रहोगे, अगर कम में रहोगे तो भाई ग्रीन लाइट जलेगा। जो कि अभी मैं कितने की स्पीड में चल रहा हूँ भाई, 45 की स्पीड में चल रहा हूँ, तो अभी स्माइल दिखा रहा है। ठीक है, और बाकी दोस्तों अगर जो ज़्यादा स्पीड में रहेगा वो उसका ऑल लाइन चलान कट जाता है, कुछ ऐसा सिस्टम बोलते हैं भाई, अब पता नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर भाई आराम से चलाता हूँ। ऑनलाइन चलान चला जाएगा सीधा सेठ के पास में, ऐसा कुछ सिस्टम है भाई इस बाईपास में। ठीक भी है, टेलर पलट गया, टेलर बर्बाद हो गया। तो ये बाईपास में लगा हुआ है तो हम लोग इसमें से धीरे से आते जाते हैं इसी की वजह से, कि आप पता चले भाई ऑनलाइन चलान हो गया। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं भाई 6 और हम पहुँच चुके हैं दोस्तों घर, मतलब पहुंचने वाले हैं, 2-4 किलोमीटर और बचा हुआ है तो घर पहुंचते हैं, उसके बाद में वहीं घर पे आराम करेंगे, फिर सुबह निकलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज का दोस्तों ब्लॉग ऐड करते हैं और जितने बंदे नए हैं वही चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऊपर सेट करो। तो जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय दोस्तों।